प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड वाई शी इज वेरी यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज दिस इज वॉट एग्जैक्टली शी वॉन्ट्स। सीरियसली आजकल जब वो मुकुलती है ना, मन करता है मुंह कुछ तोड़ दो। ट्रस्ट मी, 6 महीने में हेड इट ऑल सब देख लिया मैंने। वे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, क्या की खुशी यार। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है टू गेट इन टू योर विद योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, अबे उसका नहीं जो कभी तुम्हारा भी नहीं होता। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाले को देख ले, जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलते रहे तुम ना कुछ करते हो ना कारा हो ना कुछ सको, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन बोली, अरे तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सब सारा कांच का दोष है, घड़ी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ फिल्म खत्म। इसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता। इसके बाद अगर लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग किया तो बहुत चीप हो रहा है, इतना भी अच्छा नहीं लगता। सारी शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले क्वेश्चन आए फिर कर्टन आए, फिर क्वेश्चन कर्टन से मैच नहीं किए तो और क्वेश्चन से साले मग इतने यार मेरा क्यों ना बेच नहीं जाओ तो महीने का खर्चा निकला है। एक तो जो चीज खरीदने जाएगी ना वो चीज खरीद के लेके नहीं आई, 2 हफ्ता दिमाग चाटी के टेबल लेना है टेबल लेना है, 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी सी चप्पल उठा के लेकर आती है, और फिर 2 हफ्ता दिमाग चाटी के टेबल लेना है टेबल लेना है। ऑफिस में काम करना, फोन आ जाएगा, फोन उठाते बोल देता बात नहीं कर सकता, कितना मुश्किल है बात समझ रहा है, 2 मिनट बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा, अरे मेरी माँ 2 मिनट बात कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। इसके बाद अगर आई लव यू बोले बिना फोन रख दिया तो नाटक, सबसे ज्यादा दिमाग की देते बात फोन कर रखी है, घटिया में चले जा रही, और इनके हेड भी दोगे ना तुम, लो जी 1 पैसा पर सेकंड और बात कर लो और बात कर लो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बातें थोड़ी ना बढ़ जाती करने को, फिर इसका जवाब जाकर उन्हें बिना तुम कि तुम्हारे पास बात क्यों नहीं करने को, यू लॉस्ट इंटरेस्ट में, तुम्हें हूं ही करना तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया, अरे मेरी मैं तुमने मुझे फोन क्यों किया, मुझे क्या पता, जाके बात मित्तल से पूछ रहा हमने तुम्हें बता रहा हूँ, उस शहर में वो कुत्ता नहीं कुतिया है, सीरियसली सर लगा सकता हूँ, वेर एवर यू गो वी फॉलो। और चुके क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था वो इंडिया नहीं जा रहा था, गलती से पहुंच गया, नहीं उसको पता था, वो बेचारा कहीं दूर जाना चाहता था, बीवी के चक्कर में बोलना पड़ा इंडिया जा रहा हूँ, नहीं तो 10 सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, वे सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो, आज तक बेचारे की मजाक उड़ाती है दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, SMS आ जाएगा आई लव यू, ठीक है रिप्लाई कर देता आई लव यू। इसके बाद SMS शुरू, अभी काम क्या करते हैं ऑफिस में, 2 SMS का रिप्लाई मत करना फोन आ जाएगा, फोन मत उठाना 10 मिनट के अंदर SMS आ चुका होगा, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर एंड दिस हैपेंड व्हेन आई नॉट इवन डाउन। अब पता चला इन आदमियों को इतने हार्ट अटैक क्यों होते, और ये बंदे इतने सक्सेस क्यों होते, बिकॉज दे डोंट हैव एनी मीन देयर लाइफ टू स्पीड देयर हैप्पीनेस ना। और वो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, मगर कोई ये क्यों नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन। और ये तो सबको पता है कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद इस दुनिया में सक्सेसफुल लोगों से कहीं ज्यादा है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, अरे कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाना खा नहीं खाएगी, अब मैं कह रहा हूँ खा लो तो दिक्कत क्या करो, नौकरी छोड़ दो फिर साले घर जाओ, पहले इन्हें मनाओ इन्हें खिलाओ, इनके बाद तो खुद की तो भूख वैसे ही मर जाती है। इन सबके बाद भी अगर इंसान कहीं कुछ चुपचाप जाके बैठ जाओ ना शांति से कोने में तो आके पूछेगी ग्रेडी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, अरे कुछ नहीं सोच रहा हूँ मेरे में, ये सोच रहा हूँ कि तेरा मुंह कैसे बंद करूँ, क्या सोच रहे हो कैमरा लगा दूँ दिमाग में। इसके बाद आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग इन, वी नीड टू टॉक, वी शुड नॉट टॉक। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज दे कॉल इट एज अ डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट्स में तो बहुत से इनसे जीत ही नहीं सकता बिकॉज हम आदमियों की बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन आर्गुमेंट। इन लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सेंस जैसी बेकार सी चीज की वजह से वो आर्गुमेंट कैसे आते हैं। सारा पहली बात ये कि आज की बात पर झगड़ा होगा ही नहीं, आज की बात पर झगड़ा होगा 2 महीने बाद, या सारा याद भी नहीं रहता 2 महीने पहले हुआ भी क्या था। ये लड़कियां ना सब बचा के रखती है, ये छोटे आते हैं ये बढ़ाते हैं, इसे बड़ी लाइन में यूज करेंगे। अबे तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने की, तुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट पे तू अपनी बात को सही साबित कर लेगा, लेकिन तब भी एक आवाज आएगी उंगली नीचे करो, तूने ध्यान नहीं दिया होगा, तुम्हारी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी एंड होल डिस्कशन फ्लैश डाउन द गटर, और मुद्दा ये रह जाएगी हाउ डेयर यू पॉइंट अ फिंगर एट मी, किसने बनाया किसने बनाया रूल, चला वो बीच आर्गुमेंट में तुम्हें जूता फेंक के मारे तो कोई दिक्कत नहीं, और तुम उनकी तरफ एक उंगली पॉइंट कर दो सारा मुद्दा वही खत्म, वो सही तो गलत। शादी के पहले वो नागिन में भी बजता है, क्यों बजता है, क्योंकि बैंड वाला भी तुमने चेतावनी दे रहा होता है कौन आ रहा है जिंदगी में, सिग्नेचर ट्यून है ये उनका। अब ये बता वो क्या करने आई थी या तेरे पास, हाँ अगर सेम चीज मैं करने जाऊं, मैं उसके किसी फ्रेंड को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम गिनाऊ तो कहेगी तुमने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, उनकी सिंपथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड सी पिटर इट्स रेड कलर यार।